जनतांत्रिक महासभा के आह्वान पर झारखंड बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के तहत घाटशिला के माझी परगना महल भवन से रांची तक पद यात्रा का शुभारंभ किया गया। रांची में पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को मांग पत्र सौंपी जाएगी। इस मौके पर मोर्चा के विधानसभा प्रभारी सुखलाल हांसदा, मदन मोहन सोरेन, वीरेंद्र कुमार एवं संजय बेहरा ने संयुक्त रूप से बताया कि देश भर में हो रहे मॉब लिंचिंग के खिलाफ, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन के खिलाफ, झारखंड में एसटी एससी ईबीसी एमबीसी ओबीसी का आरक्षण 50% से बढ़ाकर 73% करवाने, झारखंड में कार्यरत सभी कर्मियों को स्थायी सरकारीकरण कराने तथा दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और अन्य वंचित जनों पर बढ़ते हमले तथा आम नागरिकों के संवैधानिक व लोकतांत्रिक अधिकारों पर बढ़ते हमले के खिलाफ हजारों की संख्या में पद यात्रा में लोग शामिल हुए हैं की तरफ से। और ये झारखंड बचाओ देश बचाओ पद यात्रा घाटशिला से रांची 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हम लोग कर रहे हैं और ये मुख्यतः चार सवाल पे कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जो देश भर में और झारखंड में जो मॉब लिंचिंग चल रहा है इसके खिलाफ ये पद यात्रा है और हम लोग का कहना है कि इसमें जो दोषी है उनको, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। दूसरा सवाल, जो पिछले साल रघुवर दास ने जमीन अधिग्रहण कानून में संशोधन किया है, ये संशोधन बिल्कुल ही झारखंडी हित के खिलाफ है, झारखंडी जनता के खिलाफ है, ग्राम सभा को कमजोर बनाने के लिए और खतियानी रैयत को कमजोर बनाने के लिए ये संशोधन किया है। सरकार ये संशोधन जल्द से जल्द वापस ले। और तीसरा सवाल, जो झारखंड की सरकारी कमेटी का रिपोर्ट है कि झारखंड के अंदर एससी एसटी ईबीसी ओबीसी का रिजर्वेशन 50% से बढ़ाकर 73% होना चाहिए, हम लोग का कहना है कि जो सरकार की कमेटी का रिपोर्ट है आप उसको लागू कीजिए। झारखंड के जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं इनके हक और जो मान सम्मान है इनको दीजिए। और चौथा सवाल, इस झारखंड के अंदर 7 लाख से ज़्यादा अनुबंध कर्मी, पारा टीचर, आंगनबाड़ी सेविका, सहिया, जल सहिया, ये तमाम इस तरह के जो लोग 1000, 2000, 3000 में काम कर रहे हैं और जिसका एक बड़ा संख्या झारखंडी है, झारखंडी नौजवान है, आप इनको बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा रहे हैं, इनको इनका सरकारीकरण करना बहुत जरूरी है। सरकार के सामने हम लोग राजभवन तक जाएंगे चार डिमांड के साथ कि जान जमीन रोजगार बचाओ, आरएसएस भाजपा मुक्त देश बनाओ, क्योंकि अल्पसंख्यकों का, आदिवासियों का जान, झारखंडियों का जमीन और नौजवानों का रोजगार ये 4 साल में खतरे में आया है। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, दुलगुलान जिंदाबाद। आज घाटशिला के गोपालपुर में विधायक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इससे पूर्व विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। क्षेत्र में तेजी के साथ विकास करने एवं जन समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से कार्यालय खोला गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता उपस्थित थे। लोगों को कितना लाभ मिलेगा, क्या एक्टिविटी रहेगी? देखिए, कार्यालय खुलने से लोगों को लाभ मिलता है और इस कार्यालय खुलने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि आम लोगों का हमारे साथ और सामूहिक विषय का काम हो, सुगमता से हम यह संपन्न कर सकें। और इसलिए ही किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए एक कार्यालय का होना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रयास काफ़ी दिनों से था लेकिन अंत तक देर में हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। और ये कार्यालय से घाटशिला पूरे विधानसभा के लोगों को इस कार्यालय से लाभ पहुंचेगा और हम कहीं भी क्षेत्र में, किसी गांव में, किसी टोला में रहे, उनकी आवश्यकता हमारे तक पहुंचने के लिए काफ़ी सुगमता होगा इस कार्यालय के माध्यम से। कोई तिथि तय है कि आप किस दिन बैठेंगे इस कार्यालय में? तय करेंगे कि एक दिन पूरा दिन जो है मैं यहाँ रहूँगा, बाकी दिन 6 दिन जो होगा वो आते जाते सुबह 1 घंटा या शाम को 1 घंटा, जैसे हमारे पूरे क्षेत्र की दौरा रहेगा उसके अनुरूप मैं यहाँ रहूँगा। और मैं नहीं रहूँगा तो भी कार्यालय में एक व्यवस्थित सिस्टम रहेगा, एक यहाँ लोग रहेंगे
जिसमें वो सारा व्यवस्था को दुरुस्त रखेंगे ताकि आम लोगों का जो भी समस्या आएगा उसको सूचीबद्ध करेगा, उसको जरूरत पड़ेगा जिसको चिट्ठी पत्रिका के माध्यम से उनको सूचना देना है, इन सारे काम का प्रॉपरली होगा इस कार्यालय के माध्यम से। मौ भंडार के स्पोर्ट्स क्लब मैदान में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के तत्वाधान में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष बुलू रानी सिंह ने मैच का उद्घाटन फुटबॉल में किक मारकर किया। मैच शुरू करने से पूर्व मौके पर उपस्थित अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन सभी का हौसला बुलंद किया। स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2018 जो घाटशिला एचसीएल मैदान में जो हो रहा है वहाँ पे उपस्थित पूर्वी सिंहभूम जिला के जिला है, विशेष तौर पे जो आज जिला स्तरीय इस खेल का आनंद और हमारे प्रिय खिलाड़ियों के लिए बहुत ही उत्साह और रुझान के तौर पर इस कार्यक्रम का आगाज किया गया है। और हमारे साथ इस बीच में हमारे मैडम अनिता कलकत्ता जी और पहले पूर्व में वीडियो रहते थे हमारे साथ और काफ़ी टाइम उनके साथ बीता है और काम करने का अनुभव भी बहुत अच्छा प्राप्त हुआ है। और हमारे साथ अभी जिला परिषद सदस्य जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर के ब्लू वर्ल्ड होटल में पार्टी संगठन को अत्यधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर नगर समिति का विस्तार, नगर अध्यक्ष दल गोविंद लोहरा, सचिव गोपाल महतो, कोषाध्यक्ष विष्णु प्रधान ने संयुक्त रूप से किया, जिसमें उपाध्यक्ष बबलू पंडित, गौतम डे, सूरज गौड़, दीपक पांडे, प्रदीप सिंह को बनाया, जबकि संगठन सचिव के पद पर फनी दास, जगराज सिंह एवं अंकित सिंह का चयन किया गया। वहीं सह सचिव पद पर अशोक कुमार एवं पहला दोरा को मनोनीत किया गया तथा प्रदीप कुमार को कार्यालय सचिव बनाया गया। कार्यकारिणी सदस्यों में हेमू राय, जीतू गोराई, कुंदन करवा, सोनू हेम्ब्रम, मोनू दत्ता, धनाई मुर्मू, प्रकाश महंती, सुरेंद्र दास एवं कुंदन पांडे को रखा गया। दिन पूर्व हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन किए, उसके बाद जो हमारे नगर अध्यक्ष है श्री दल गोविंद लोहरा जी ने आज बिष्टुपुर स्थित ब्लूवर्ड होटल में नगर समिति का विस्तार किया, जिसमें मुझे उपाध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया। और ये पोस्ट मिलने के बाद, ये पद मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा से जोड़ने का प्रयास करेंगे और आगामी होने वाले 2019 में लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव आ रहे हैं, जिसके मद्देनज़र देखते हुए हमें दिन रात एक कर मेहनत कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बनाना है झारखंड में। नाम बताइए। दीपक पांडे, नगर उपाध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा। जमशेदपुर के विष्टुपुर में भारत रक्षा मंच की प्रदेश स्तरीय एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंच की रंजना शर्मा ने बताया कि भारत में कुल 26 राज्यों में संगठन का गठन कर दिया गया है तथा आज झारखंड के 27 जगहों में संगठन का विस्तार किया जा रहा है। इस मंच का मुख्य उद्देश्य होगा हिंदू समुदाय के लड़कियों में धार्मिक भावना को जागृत करना ताकि हिंदू समुदाय के लड़की सेवा, सुरक्षा और संस्कार पूर्ण सम्पन्न हो सके।
जमशेदपुर अंतर्गत राजनगर बाना पंचायत के कांकी नाला पर पूरे मंत्री सह सरायकेला के विधायक चंपई सोरेन ने भूमि पूजन कराया तथा कार्य की शुरुआत की। इस संबंध में उन्होंने बताया कि कांकी नाला में 2,79,00,000 रुपए की लागत से पुलिया का निर्माण कराया जाना है। उन्होंने बताया कि इस पुलिया के निर्माण से दर्जनों गाँव जुड़ेंगे एवं इससे लाभ मिलेगा। उस समय हो चुका था, आज भूमि पूजन हो रहा है, ये मेरा अनुशंसा पर हुआ। उस दिन ये गांव का आदमी नहीं था, ना कांखी का था ना रांजोड़ गांव का था। गांव वाला भी पता हुआ ये काम तो विधायक जी कर रहा है, उनका अनुशंसा पर स्वीकृत हुआ। यहाँ नापी जोक सब कुछ विधायक अपने से करवाया, इसीलिए वो लोग अपना सस्ता लोकप्रियता करने के लिए आया था। अरे उस दिन ये गांव का आदमी तो नहीं आया, कोई सामने नहीं आया, आके चल गया या देखने आया था क्या क्या करने आया था किसी को पता तक नहीं हुआ। आज तो पूरा रांजोड़ गांव भी पूरा है, यहाँ का गांव